पुलिस ने इस बात में को लेकर के क्यों नहीं गिरफ्तारी की, तो इन तमाम चीजों को लेकर के हालांकि उत्तर प्रदेश की तरफ से अपना जो बात है वो रखी गई है, लेकिन ये मामला तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि आज जिस तरीके से पूरी उम्मीद की जा रही थी कि रिजर्व पुलिस लाइन जहां मौजूद है यहां पर आशीष मिश्रा आएगा, यहां पर उनके बयान दर्ज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और ये एक और दिन टल गया है। कल का इंतजार होगा, कल 11 बजे की बात हो रही है जब आशीष मिश्रा या एसआईटी के सामने पेश हो गए और अपने बयानों को दर्ज कराएंगे। श्वेता, बिल्कुल, इस बीच आपसे और हम जानकारी ले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस मामले में। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, डिप्टी सीएम भी यही कह रहे हैं कि दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इतने लंबे समय से सवाल तो यही उठ रहा है कि अब तक एक कार्रवाई तक क्यों नहीं। देखिए बिल्कुल श्वेता, बड़ा सवाल यही है। लगातार विपक्ष ने भी सरकार से जो सवाल उठाए थे, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। तमाम ये जो नेता है वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या मंत्री को और उनके बेटे को बचाने की है, क्यों नहीं बर्खास्त की हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। और जब सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात खुली तो कहीं ना कहीं ये बात भी अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछी है। हालांकि इसको लेकर के आश्वासन देने की बात की गई है, बार बार ये कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, उनको समन भेजा गया है, कल समन जारी किया गया था, 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 10 बजे तक आशीष मिश्रा यहां नहीं पहुंचे, इंतजार होता रहा। लेकिन सुनवाई के बाद में जैसा कि मैं आपको बता रहे हैं कि एक और नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, वो नोटिस मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज तारीख 10 बजे तक का समय दिया गया था और चूंकि वो नहीं पहुंचे हैं तो कल 9 तारीख को 11 बजे उनको पुलिस रिवर्स लाइन में आने का आदेश दिया गया है, अगर कल वो नहीं आते हैं तो वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस बात को साफ साफ दूसरे नोटिस में लिखा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की बात की उसकी असंतुष्टता को सुप्रीम कोर्ट में भी सामने रखा गया और अब सिवाय आशीष मिश्रा के यहां पर आने के और जल्द से जल्द अपने बयान दर्ज कराने के कोई और चारा नजर नहीं आता। क्योंकि विपक्ष के तौर पर भी देखें तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई को लेकर के भी